नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक। आज रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्यों हम उसको बनाते हैं, किस तरह से कौन से रूल के अकॉर्डिंग वो बनता है। ये सारी की सारी बातें कल की वीडियो में हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो देखने से पहले यदि आपने किसी कारण से कल की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले, क्योंकि कल की वीडियो के बिना ये आज वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो कल बेसिक क्लियर करके आए कल वाली वीडियो, तो ये आज वाली वीडियो आप देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बात की थी, ये बैलेंस शीट है, इस तरह से आपको एडजस्टमेंट्स में डी मिलेंगी। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनती है फर्म की, तो ये चीज क्लियर कर ले कि किस तरह से आपने कौन सी आइटम कहां लिखनी। तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट है स्टॉक बी वैल्यूड एट 110। एट का मतलब होता है पर। स्टॉक को 110,000 पर दिखाना है, यानी कि बैलेंस शीट में अब स्टॉक कितने रुपए का रहेगा, 110,000 रुपए। अगर एट है ना कोई चीज, तो न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें इतना आएगा, पहले कितना था 120, अब नई बैलेंस शीट में कितना है 110। असेट डिक्रीज हो गई, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम होने से लॉस होता है, और लॉस मैंने कल बताया था कहां आता है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। तो कैंट्री हो गई टू स्टॉक कितना 10,000, बहुत आसान। ठीक है, टू स्टॉक 10,000, वेरी वेरी इजी, क्लियर होगी। क्या कहा, स्टॉक बी वैल्यूड एट 110, स्टॉक को कितने पर दिखाना है, 110 पर, था कितना 120, 120 की चीज 110 की रह गई, 110 की रह गई तो 10,000 लॉस हो गया, लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड डालते हैं। ठीक है, और गेन को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड डालते हैं। अब हमने लॉस आया था तो डेबिट साइड 10,000 रुपए लिख दिए। ठीक है, सेकेंड, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सेकेंड लाइन, मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट का मतलब आप सभी जानते हैं, ह्रास लगाना है, उसकी वैल्यू कम करनी है, एसेट्स की वैल्यू कम होना मींस लॉस होना। कितनी थी मशीनरी, 1,59,000, कितनी थी 1,59,000, 10% वैल्यू कम कर देनी। ठीक है, मशीनरी कितने की थी, 159 की, 10% कितना हो गया 15,900। ठीक है, 10% कम हुआ ना, कितना हुआ 15,900 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो यहां लिखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, 16,000 कटाएंगे कितना आ जाएगा, 1,43,000, 143,100 तो यहां आ गया। जो वैल्यू घटने के बाद बची वो बैलेंस शीट में लिखी। अब लॉस कितना था, 15,900, लॉस को यहां लिखेंगे टू मशीनरी 15,900। ठीक है, लॉस को यहां लिखेंगे टू मशीनरी 15,900। एक बार फिर देखो, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1,59,000, कितना कम करना है 10%, 1,59,000 का 10% निकाल लो, जो निकाल के दिखा देता हूं, बहुत आसान है, इंटू 10/100 कितना आ गया 15,900, 15,900 रुपए कम हुए, मशीनरी आपकी 15,900 की घट गई, यानी कि लॉस हो गया, लॉस आपने यहां लिखा, घटने के बाद मशीनरी जितने की बची वो बैलेंस शीट में लिख। तीसरी लाइन क्या, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%। डेटर्स में से 5% डेटर्स हमें डाउटफुल लग रहे हैं, यानी कि संदेह है,
कि उनके पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। और जो ऐसे डेटर्स जो हमें पैसे ना दें, ऐसे देनदार जिनसे हमें पैसे ना मिले, वो क्या है, लोस, है ना। तो लोस सिंपल सी बात, कितने थे डेटर्स, 44,000, कितने परसेंट कहा इसने, 5% निकालते हैं, कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, 5 × 0 = 5 × 20 = 2 × 20 = 2 = 22, कितना आ गया, 2200 रुपए लॉस हो गया। तो लॉस यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 2200। सन्ड्री डेटर्स कितने थे आपके, सन्ड्री डेटर्स थे आपके 44,000 लेस प्रोविजन 2200, ठीक है, कितना रह गया, 41,800, ठीक है। ये 2200 घटाने के बाद प्रोविजन कितना बच गया आपका, 41,800, ठीक है। प्रोविजन यहां से घटा देंगे, लॉस था क्योंकि 44,000 के थे जिसमें से हमें लग रहा है 2200 के नहीं आएंगे, लॉस था तो यहां लिख दिया, और जो घटाने के बाद वैल्यू आई वो बैलेंस शीट में दिखा, ठीक हो गई। उसके बाद बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड 20%, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटाना, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ाना, बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है, 2,00,000 का 20% 40,000। अब बिल्डिंग बढ़ी और बढ़ने से बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, और गेन किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग कितना हुआ, 2,00,000 का 20% 40,000, 2,00,000 का 20% कितना हो गया, 40,000। अब बिल्डिंग कितने की हो गई आपकी, बिल्डिंग थी 2,00,000 की, 40,000 बढ़ गया, फाइनल बिल्डिंग कितने की बन गई आपकी, 2,40,000, ठीक है। जो फाइनल आता है लास्ट में घटने या बढ़ने के बाद वो बैलेंस शीट में आएगा। देन लास्ट पॉइंट है लायबिलिटी 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स, इन सन्ड्री डेटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में सॉरी, 2,500 रुपए की एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका भुगतान हमने नहीं करना, इज नॉट लाइकली टू अराइज, वो अब हमसे पैसे नहीं मांगेंगे, यानी कि कर्जा कम हो गया भाई। जब कर्जा कम हो जाएगा तो हमें फायदा होगा, तो फायदा किस साइड लिखेंगे, इस साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना कम कर्जा हुआ भाई, 2,200 रुपए, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे कितने के, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे आपके 24,000 के, 2,500 कर्जा कम हो गया, कर्जा कितना कम हुआ, 2,500 रुपए हुआ, यहाँ गलती से लिखा है 2,200, 2,500 कर्जा कम हो गया, कितना रह गया, 21,500, ठीक है। 24,000 में से 2,500 माइनस कर दिया, कितना आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, 21,500। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज हमने कर दी। अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल आया 42,500, इस साइड का 15, 10, 25, 27, 28,100, ठीक है। तो कौन से साइड का ज्यादा आया है, प्रॉफिट वाली साइड का, तो 42,500 में से 28,100 लॉस था, तो कितना आ गया, 14,400 रुपए प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हमेशा किसमें, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। चेंज इन शेयरिंग में कई बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अभी फिलहाल आप यही याद रखो, ओल्ड रेशियो में करना। ओल्ड रेशियो क्या थी, 4:3:2, ओल्ड रेशियो क्या थी, 4:3:2, कैसे आ जाएगा, ए बी सी, 14,400 को बांटते हैं, ए का 14,400 इंटू
चार तीन सात दो नौ, तो ए के हिस्से चार था, टोटल नौ था। बी का 14,400, ए का कितना था तीन, टोटल नौ। सी का कितना 14,400, दो बटे नौ, कितना आ गया 9 × 9 = 9 × 6 = 54। ठीक है, 9 × 9 5 उठ गया, 9 × 6 = 54, 1600 × 16 = 32। ठीक है, 16 × 3 = 48, 1600 × 6 कितना हो गया 6400। ठीक है, 6400 रुपए क्या हो गया आपका, और रेशियो शायद कुछ और दी है, एक मिनट को, और रेशियो थी 3:3:2, यहां पर इसको चेंज करें 3:3:2, तो 3:3:2 में हो जाएगी 8, तो 3/8, 3/8, ठीक है, और 2/8, तो 8 पे काटेंगे अब 8 × 8 कितना बच गया 6 × 8 = 64, 1800 × 3 = 5400, ए का हो गया 5400, बी का भी 5400 और सी का 3600। ठीक है, और रेशो क्या थी, 3:3:2 थी। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट कैसे सेट करते हैं, जो लास्ट में बचता है वो बैलेंस शीट में लिखना है, जो प्रॉफिट या लॉस है वो रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन की जनरलाइटी और करने सिखा रहा हूं इसी वीडियो में, उसके बाद रिवैल्यूएशन आपका खत्म हो जाएगा। इसको ट्रीट कैसे करना है चेंज इन शेयरिंग रेशियो में, कल एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है हम इसको देखेंगे। तो देखिए जनरल एंट्री, अब मैंने कहा कि ये जो डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन और डेबिट क्रेडिट इस बॉक्स से बाहर है। ठीक है, मैंने बड़ा आसान सा आपको फॉर्मूला बता रखा, जब अकाउंट बन जाए तो उससे जनरल कैसे बनते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां डेबिट है, तो फिर ये अंदर वाली सारी चीजें क्रेडिट, और इधर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है और ये वाली चीजें क्या हो जाएगी डेबिट। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, असेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितनी वैल्यू थी, स्टॉक की वैल्यू थी आपकी 10,000, मशीनरी की थी 15,900 और 2,200 थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 15, 10, 25, 25 और 2, 27, 28,100 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये दोनों चीजें क्रेडिट होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है ना, तो बिल्डिंग और सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं, कैंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां बिल्डिंग बड़ी है, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको भी डेबिट करते हैं। देखो नियम अपने आप बनते चले जा रहे हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया 42,500। अब रह गई है प्रॉफिट वाले, यहां भी सेम वही नियम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो ये तीनों क्रेडिट, क्रेडिट की हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू लास्ट में सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी थी 14,400 प्रॉफिट आया था, जिसको बांटने पर 5400 ए को मिला, 5400 बी को मिला
और 3600 रुपए सी। ठीक है, तो ये थी जनरल, किससे रिलेटेड, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस में जनरल नहीं आती, ओनली अकाउंट बनाना आता है, कुछ में अकाउंट्स के साथ साथ जनरल भी आती है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में आपने ऐसा करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाएं।